देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार जब सरकार बनी तब ये फैसला लिया गया था और उस वक्त निर्णय किया गया कि इसको गुजरात के फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में ही अटैच किया जाए इस सेंटर को। उस वक्त अभी फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी, परंतु जिस प्रकार की गुजरात की पहले एफएसएल लैब और गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का इतिहास रहा था, विश्व भर के फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र के अंदर उत्कृष्टता प्राप्त करने के सभी रिकॉर्ड तोड़ने का जो व्यास जी के नेतृत्व में प्रयास हुआ था, इसी को देखते हुए इस सेंटर को यही स्थापित करने का निर्णय किया गया और आज मुझे लग रहा है ये निर्णय सर्वथा उचित और योग्य है। आज गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बन चुकी है और मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि जब गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनी तब मैं गुजरात का गृह मंत्री था और आज के हमारे प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और जब नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनी तब मैं भारत सरकार में गृह मंत्री हूं और नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री हैं। और ये निर्णय इसी प्रकार से हुआ कि यही यूनिवर्सिटी को एक राष्ट्रीय फलक पर ले जाने का हम प्रयास करें, क्योंकि ये बहुत नितांत जरूरी है देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्ट्रेंथी करने के लिए, उसके ताकत देने के लिए, इसको परिणाम लक्ष्य बनाने के लिए। मैं कई बार कहता हूं कि अब थर्ड डिग्री का जमाना नहीं रहा है। बड़े प्यार से पूछताछ करते करते साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर गहरे से गहरी कठोरता रखने वाले व्यक्ति को तोड़ा जा सकता है और उसको सजा दिलाई जा सकती है अगर एफएसएल का काम ढंग से हुआ है तो।